गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, श्रीनगर में हमारा है दूसरा दिन, लेकिन नेटवर्क आए हुए हमें आज चौथा दिन। तो देखिए, बारिश लगातार पड़ रही है। मैं दिखाता हूँ, और जमाल भाई, शादाब भाई भी उठ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, माशाल्लाह बारिश लगातार पड़ रही है, और ये हमारा रूम। जमाल भाई उठ चुके हैं माशाल्लाह, और शादाब भाई भी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम समीम भाई जी। वालेकुम सलाम। तो दोनों उठ चुके हैं, जमाल भाई, शादाब भाई, नाश्ता तैयार है, आप नीचे पहुंचो। तो मैं जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए। थोड़ी सी वीडियो हम दिखाएंगे आपको कहाँ पर रोटी बनती है, वो कश्मीरी मशहूर रोटी। तो चलिए, वो भी ले जाइए, जो पुरुष ले जा रहे हैं ना, दो पुरुष लाना। ठीक है इंशाल्लाह। तो दोस्तों चलिए, नीचे हैं जावेद भाई, और जावेद भाई के साथ हम चलेंगे वहां पर। आज आपको दिखाते हैं वो रोटी कैसे बनती है। तो जावेद भाई नीचे हैं, चले जावेद भाई, चलिए। तो चलिए, हम चल रहे हैं कश्मीर की मशहूर रोटी जहां पर बनती है जी। गिरदा, उसका नाम है गिरदा, और हम आ गए हैं बाहर। तो चलिए, जहां पर गिरदा बनती है वो दिखाएंगे आपको। ये तो कई तरह की रोटी होती है इसमें जी, गिरदा बता रहे हैं। गिरदा जो होता है ये यहाँ का मशहूर रोटी होती है जी। यहाँ के कश्मीरी भाई सब यही पसंद करते हैं जी, गिरदा। सुबह के टाइम सब लवासा और गिरदा। अभी लवासा का टाइम नहीं है। अच्छा, लवासा क्या होता है? लवासा एक नान जैसा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो थोड़ा कुरमुरा बनाते हैं, तो वो नमकीन चाय के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह। तो गुर्दा और नवासा। गिरदा और नवासा। लवासा। तो चलिए, चल रहे हैं, हम देखते हैं मेकिंग ऑफ द गिरदा एंड लवासा। हमारे एजाज भाई माशाल्लाह, और ये इनके वर्कर है, बहुत ही शानदार ये लड़के हैं माशाल्लाह जी। और इनकी बहुत शानदार रोटी होती है जी। इस एरिए के और दूर के एरिए के लोग सभी जो है एजाज भाई के पास आते हैं रोटी लेने के लिए माशाल्लाह। और होटल वगैरह वाले भी इन्हीं से लेते हैं माशाल्लाह जी। तो ये जो है एज ए सप्लायर है इस एरिए के, सप्लायर है इस एरिए के, और फैमिली वाले जितने भी इस एरिए के हैं जी, सब एजाज भाई के पास आते हैं रोटी लेने माशाल्लाह। जैसा कि जावेद भाई ने बताया, और हम खड़े हुए हैं, किस नाम से जावेद भाई ये शॉप? ये एजाज भाई नान भाई, एजाज नान भाई के नाम से जो ये शॉप है। और आप देख सकते हैं पीछे जो है मेकिंग हो रही है, बनाई जा रही है रोटी। बहुत ज्यादा मशहूर है ये गिरदा, बहुत ज्यादा मशहूर है श्रीनगर में। जितने अच्छे गिरदे हैं उससे अच्छे इनकी मुस्कुराहट है और इनके अल्फाज है माशाल्लाह। तो गिरदे से भी स्वीट जो है यहाँ पर जो है ये खुद है माशाल्लाह। ये आटा और मैदा मिक्स होता है, देखिए। उसके बाद जो है सेकंड प्रक्रिया इसकी ये होती है, ये बाउल बनते हैं जी, पेड़ा बनता है इसका। और पेड़ा बनने के बाद ये भाई यहाँ पर जो है इसको बनाते हैं रोटी, और रोटी बनाने के बाद फिर ये जाएगी तंदूर में। तो फिर जो है यहाँ पर तंदूर से सिकने के बाद बाहर निकलती है पेड़ की जो बाउल होता है, बाउल की जो है, फिर ये भाई यहाँ पर जो है, देखिए इस पे डिजाइन हाथ से डालते हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं आप। तो ये डिजाइन डाल रहे हैं भाई यहाँ पर, देखिए हाथ से, और इसको फिर लगा देते हैं तंदूर में। तो माशाल्लाह ये देखिए, ये लग गई है तंदूर में। और यहाँ पर जो है, हमारे यहाँ तंदूर जो होते हैं अक्सर वो गैस के होते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी में जो है, लकड़ी जल रही है तंदूर में। यहाँ पर देखिए एजाज भाई, फाइनली रोटी जब तैयार हो जाती है तो एजाज भाई निकाल के उसको डाल लेते हैं यहाँ पर। और एजाज भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो एजाज भाई, ये काम आप कब से कर रहे हैं? जी मुझे 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। इससे पहले वाली साहब वगैरह भी करते? नहीं नहीं, आप ही करते हैं जी। जी जाए। तो ये मॉर्निंग से कब से शुरू करते हैं आप? सुबह से 3 बजे से। 3 बजे से शुरू करते हैं, और कब तक बनती है ये? 2 बजे तक। 2 बजे तक बनती है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये बनाता है गिरदा। ये गिरदा है, और गिरदा के अलावा लवासा और सचुरू। लवासा सचुरू क्या होता है? वो गोल वाला होता है। अच्छा, वो गोल वाला होता है, वो अभी नहीं बना, तेल वाला बनाता बाद में जी। अच्छा, तो इसके अलावा भी होटल वगैरह पे भी आप गिरदा सप्लाई कर रहे हैं? जी जी। अच्छा माशाल्लाह, कितने होटल लगभग यहाँ पर श्रीनगर में?
कितनों को आप सप्लाई कर रहे हैं? पांच छह होटल। तो माशाल्लाह ये कब तक बनाते हैं आप? 3 बजे से कब तक बनता रहता है? एक बजे तक। 1 बजे के बाद फिर दूसरी आइटम बनती है? दूसरी आइटम। अच्छा, तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गिरदा ये तैयार होकर के और इस तरह ये होटल पे जाना है। अच्छा, ये पैकिंग हो रही है होटल पर। तो जावेद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए नाश्ते के लिए गिरदा लेने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद हम जो है इस गिरदा से इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर तंदूर के करीब खड़ा हूँ अपने भाइयों के साथ और गिरदा मैकिंग करते हुए आपको मैंने दिखाया। तो यहाँ पर जो है जावेद भाई और मैं आए थे गिरदा लेने के लिए, यहाँ पर पैकिंग हो रही है और मैं दिखाता हूँ पैकिंग की प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं। तो देखिए ये गिरदा तैयार हो चुका है, जितना बना था वो सब जो है यहाँ पर पैक हो रहा है। पैक होने के बाद ये सप्लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? शौकत भाई। तो ये आप पैक कर रहे हो गिरदा, कहाँ जाएगा ये? लाल चौक होटल पे जाएगा। तो माशाल्लाह आपका ये गिरदा जितना मशहूर है, तो माशाल्लाह खड़े हुए हमारे जावेद भाई। जावेद भाई की बिरयानी भी बहुत मशहूर है, कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। जाते हैं आप खाते हैं? रोज तो खाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और भाई आप भी खाते हैं बिरयानी? माशाल्लाह जी। तो देख रहे हैं यहाँ कितना माशाल्लाह बहुत ही मोहब्बत भरा माहौल के साथ जो है एक दूसरे के तालमेल से लोग यहाँ पर गिरदा तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। और तो ये है कश्मीर की बहुत मशहूर रोटी। तो कश्मीरी भाषा में रोटी को गिरदा कहते हैं, तो हम जो बार बार ये लफ्ज दोहरा रहे हैं वो रोटी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गिरदा कैसे बनता है मैंने वो आपको दिखाया। जावेद भाई खड़े हुए हैं, हम आए थे गिरदा लेने के लिए, नाश्ते में जो है हम इसको यूज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही फेमस गिरदा है यहाँ की। अगर इस पे मक्खन लगा दिया जाए तो इसमें और चार चांद लग जाते हैं, खाने का मजा ही कुछ और। माशाल्लाह। तो बता रहे हैं जावेद भाई इस गिरदा पे मक्खन लगाते हैं बटर, और बटर लगा के जब खाते हैं और ज्यादा मजा आता है। हमारा ऑर्डर मिल चुका है हमें और हम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। तो चलिए चल रहे हैं अपना गिरदा लेकर के वापसी। देखिए जावेद भाई थोड़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ। तो लाल चौक जा रहे हैं सप्लाई के लिए, ये गिरदा जा रहा है सप्लाई के लिए। तो चलिए दोस्तों हमारा भी हो गया। देखिए गर्मा गर्म गिरदा हम ले आए नाश्ते के लिए और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तैयार है। फिर 10 बजे जो है और देखिए शादाब भाई जावेद भाई हो गया। लेकिन अब हमने दिखा दिया तो यही गिरदा है। दोस्तों नाश्ता लग चुका है और हम कर रहे हैं नाश्ता साथ में जावेद भाई शादाब भाई और हमारे जमाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पर जो है ये चिकन करी है और ये चिकन ड्राई है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ है। ये जो है किसी स्टाइल में बना हुआ है? ये कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ है। माशाल्लाह ये ड्राई चिकन कश्मीरी स्टाइल में और ये ग्रेवी में है नॉर्मली जैसा हमारे यहाँ भी चल रहा है यूपी में। तो हमने वही लिया है कश्मीरी स्टाइल वाला चिकन। तो खा रहे हैं हम, नाश्ता कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हम कर चुके हैं, बहुत ही टेस्टी नाश्ते भी जो है चिकन जो है चिकन के साथ हमने नाश्ता किया। बाकी 3 तरह के बिस्किट केक वगैरह और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी यम्मी नाश्ता रहा। तो अब बनाते हैं प्लान जावेद भाई जमाल भाई, किधर जाना है कैसे करना है बताएंगे हम आपको और चलेंगे फिर घूमने के लिए। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा व्लॉग मेकिंग ऑफ द गिरदा। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो और मेरे चैनल रॉ मिश शमीम को सब्सक्राइब करें।